आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे क्षेत्राधिकारी यातायात एआरटीओ साहब, सीओ सिटी साहब, हमारे सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्र के गणमान्य लोग और समाज के आईना के रूप में यहाँ पे उपस्थित मीडिया कर्मी, आज वर्ष 2020 का यातायात माह का शुभारंभ हुआ है और आप सभी जानते हैं कि हर साल ये यातायात माह हर नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। इस यातायात अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई बात तो है नहीं कि नवंबर में ही जरूरी है, ऐसी कोई बात है नवंबर में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, नवंबर में ज्यादा जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए रखा जाता है कि हर साल कम से कम हम एक महीना याद रखें कि हम एक शपथ लें अगले 11 महीने हमें क्या करना है। इस महीने में हम इस तरीके से एक दूसरे को जागरूक करें, एक दूसरे को बताएं कि आने वाले 11 महीने हम क्या व्यवहार रखेंगे, किस तरीके से यातायात नियमों का पालन करेंगे। 2020 का शुभारंभ यहाँ पे हुआ है, ये पूरा नवंबर माह यातायात माह के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें पुलिस द्वारा और आरटीओ के विभाग द्वारा, उनके द्वारा, सबको द्वारा मिलकर जनता की सहभागिता से एक लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित करना, उनको जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना, इसके अलावा चौराहों पे, आदि जगहों पे नुक्कड़ नाटक, इस तरीके की सफाई करना, ये सब चीज़ों का हमारे द्वारा आयोजन किया जाएगा। इसके द्वारा, इसके अलावा जो रास्ते पे कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं हल करने से वहाँ की यातायात व्यवस्था ठीक हो सकती है या वहाँ के एक्सीडेंट कम हो सकते हैं, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा और आने वाले समय में लोगों को इसमें प्रवृत्त करने के लिए काफ़ी ई चालान आदि के माध्यम से एनफोर्समेंट भी किया जाएगा। ये पूरी कार्रवाई इस माह में की जाएगी, आज इसका आरंभ किया गया है। सभी को हमारे द्वारा निर्देश भी दिए गए पुलिस विभाग के व्यक्तियों को किस तरीके से इसका पालन करना है और जनता से भी एक अपेक्षा की है कि जनता किस तरीके से हमारे साथ इसमें मदद के रूप में आ जाए और इसको हम एक बदलाव के रूप में ले लें कि यातायात नियम हमारे खुद की सुरक्षा के लिए है, परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए। आजमगढ़ तिरासर रोडवेज तक पटरियां जो चौड़ीकरण के लिए बनाई गई हैं उस पर तमाम गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिससे आने जाने में काफ़ी दिक्कत है। हमने जो यातायात माह में 3 टारगेट रखे हैं वो ऐसे रखे हैं कि एक तो हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, दूसरी चीज़ हम एनफोर्समेंट करेंगे, जहाँ पे लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं वहाँ पे उनसे चालान, समन, शुल्क, इन सब से कार्रवाई करेंगे। तीसरी चीज़ जो हमने इसमें सोची है वही सोची जो आप कह रहे हैं, जहाँ पे रास्ते पे या चौराहे पे कोई ऐसी स्थिति है कि जिसके कारण उस चौराहे या रास्ते का ट्रैफिक खराब है, उसमें अन्य विभागों से संपर्क करके उस समस्या का भी समाधान निकाला जाए ताकि उस रास्ते पे या उस चौराहे पे यातायात व्यवस्था बेहतर हो। देखा जाए जो लोग हेलमेट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, उनकी दूसरी गाड़ी में चालान काफी कटा हुआ है। सब जन सहयोग देखते हैं, जन सहयोग की बात हम करते हैं लेकिन अनुचित आरोप है जनता का। देखिए यातायात नियम बस हेलमेट का ही नहीं है, आप जानते हैं यातायात नियम में काफी सारे नियम आते हैं। जब आप कोई भी लाइसेंस प्राप्त करते हैं तो आपको पूरे नियमों से अवगत कराया जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने हेलमेट पहना है तो उसका किसी अन्य नियम में चालान नहीं कट सकता, हो सकता है उनके द्वारा किसी अन्य नियम का उल्लंघन किया है किसी कारण उनका चालान काटा गया है। पर हम लोगों द्वारा जो फोकस मेन में रखा गया है वो हेलमेट, सीट बेल्ट और 3 सवारी लोग किसी तरीके से ना चले, इन चीज़ों पर हम फोकस रख रहे हैं, पर इसके अलावा भी अगर किसी द्वारा किसी चीज़ का उल्लंघन किया जाता सामने आता है उसका चालान काटा जाता है।